morning, students. Dr. Pinkita, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, Kotputli. Today we are going to study about anatomy of cockroach. First, let's see the classification. Cockroach phylum Arthropoda ko belong karta hai. Class Insecta, order Blatodea, genus Periplaneta and species Americana. General features, external features of cockroach. ये brown या black color की इनकी body होती है. कुछ क्षेत्रों में येलो रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच भी पाए जाते हैं. इनका साइज 1/4 इंच to 3 इंच से वेरी करता है, यानी 0.6 सेंटीमीटर to 7.6 सेंटीमीटर लंबाई होती है. लॉन्ग एंटेना कंपाउंड आईज होते हैं. ये रात्रिचर यानी नॉक्टर्नल और ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी होते हैं. दैट इज दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. जनरली ये नमी वाली जगहों पे या डैम प्लेसेस पे वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं. दे आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस. दिस इज द आउटलाइन आइडिया ऑफ द जनरल एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच. सी इन दिस डायग्राम यू कैन सी इट इज डिवाइडेड टू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. एंड दिस इज द ग्रॉस आइडिया ऑफ द इंटरनल एनाटॉमी. दैट इज ब्रेन, एंटेना, सैलिवरी ग्लैंड्स, दीज आर द विंग्स. This is the crop, midgut, testis, rectum, penis, anus and various other structures are seen in this diagram. Morphology. Periplaneta, as I've already told, is around 3 to 4 inches long or 35 to 53 mm long, with wings extend beyond the tip of abdomen in males. Yani abdomen ke tip ke bahar bhi wings jaate hain. Similarly, body is divided into head, thorax and abdomen, these three regions. Entire body is covered by a chitinous exoskeleton. Exoskeleton hardened plates का बना होता है जिसे हम स्क्लेराइट कहते हैं, और हर प्लेट दूसरे से एक छोटी पतली आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है. हेड, इसका हेड पियर शेप या ट्राइंगुलर होता है. एक खंडों का बना होता है. जनरली राइट एंगल बॉडी के राइट एंगल 90 डिग्री कोण पर स्थित होता है. थोरिक्स से ये प्रोथोरिक्स के द्वारा ये जुड़ा रहता है, जिसे हम नेक कहते हैं, और ये बहुत फ्लेक्सिबल नेक होती है. इसके हिसाब से ये चारों दिशाओं में अपनी गर्दन को घुमा पाता है, हेड को घुमा पाता है. ऑन ईच साइड ऑफ हेड इज अ लार्ज कंपाउंड आई. एक जोड़ी कंपाउंड आई होती है और उसके नॉच से दो एक जोड़ी एंटेना निकलते हैं. हेड के टिप को वर्टेक्स कहते हैं. ये जो एंटेना है इसके ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में इस कॉकरोच को हेल्प करते हैं. ये इसके वेरियस माउथ पार्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉकरोच में. च्यूइंग काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स, च्यूइंग एंड बाइटिंग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं. मुख्य माउथ पार्ट्स है जैसे ये अपर लिप, लेब्रम, फिर ये मैंडिबल्स फॉर ग्राइंडिंग दो जोड़ी, then first pair of maxilla and second pair of maxilla, and then this hypopharynx and labia. Thorax is divided into three parts, prothorax, mesothorax and metathorax. The prothorax jo hai wo head ko jodti hai, yani isko hum neck bhi kehte hain. So head is connected to the thorax by a short prothorax. Each thoracic segment wears walking legs. मीजोथोरिक्स से फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स निकलता है और मेटाथोरिक्स से सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स निकलता है. फोर विंग्स आर कॉल्ड एज टेग्मिना, और ये टेग्मिना डार्क कलर के होते हैं, ओपेक होते हैं और लेदरी जैसी टच होती है, कंसिस्टेंसी होती है. और हाइंड विंग्स जो है वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होते हैं, और उड़ने के काम में ये हाइंड विंग्स से ही मदद से शॉर्ट फ्लाइट्स लेता है. So this is prothorax, mesothorax and metathorax. और जो फोर विंग्स है वो हाइंड विंग्स को ढके रहते हैं. This is the diagram of external anatomy of cockroach, external features. जैसे मैंने आपको बताया, ट्राइंगुलर हेड होता है, दो बड़ी कंपाउंड आईज होती हैं जिसके नॉच से एंटेना निकलता है, फिर हेड प्रोथोरिक्स या प्रोनोटम से जुड़ा रहता है, प्रोथोरिक्स से टेग्मेना या मोटा ओपेक विंग निकलता है, मीसोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स. मीसोथोरिक्स से फर्स्ट लेग निकलता है,
प्रोथोरस से प्रोथोरेसिक लाइन निकलता है, मेटाथोरिक्स से ही वॉकिंग लेग निकलते हैं और मेटाथोरिक्स से ये हाइंडवेग में निकलता है, फिर ये एब्डोमेन है, एनल सेप का है। सो दिस इज द एक्सटर्नल फीचर ऑफ कॉकरोच। इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडीिंग अबाउट एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच इन विच हम डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।